सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज हब यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है धनंजय और आप देख रहे हैं नॉलेज हब यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन मार्क के एपिसोड नंबर 1 में। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिस्ट्री ऑफ स्लीप यानी कि नींद के रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ। सोते तो हम सब है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप क्यों सोते हो? आज के इस वीडियो में हम इसके के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर। हमारे सोने के दो मेन रीजन हैं। नंबर 1, हम पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, इसलिए हमारे हाथ पैर और पूरा बदन थक जाता है। इस वजह से हम अपने शरीर की थकान दूर करने के लिए सोते हैं। नंबर 2, हमारा दिमाग पूरे दिन कुछ ना कुछ सोचने में लगा रहता है, इस वजह से वो भी थक जाता है। जिस दिन हम देर तक सोते नहीं है, उस दिन हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता, इसलिए हम अपने दिमाग को आराम देने के लिए सोते हैं। चलो, अब हमें हमारे सोने के दो मेन रीजन तो पता चल गए। अब मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपने अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट पिग्मी श्री के वीडियो में बताया था कि पिग्मी श्री पूरे 24 घंटे के दिन में से सिर्फ 2 मिनट की ही नींद लेता है। अगर पिग्मी श्री पूरा 1 घंटा भूखा रहे तो भूख की वजह से मर जाता है, इसलिए वो पूरे दिन खाना ढूंढने में लगा रहता है। अगर आपने अभी तक हमारे अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट पिग्मी श्री का वीडियो नहीं देखा तो मैं वो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन और कमेंट में उसकी लिंक दे दूंगा। पिग्मी श्री हम सबसे ज़्यादा भागदौड़ करता है, फिर भी वो 2 मिनट की ही नींद लेता है। उसे तो हमसे ज़्यादा थकान लगती होगी, फिर भी वो 2 मिनट की ही नींद लेता है। अगर हम अपने शरीर को आराम देने के लिए सोते तो पिग्मी श्री को हमसे ज़्यादा सोना चाहिए। चलो, अब हम दूसरे रीज़न की बात करते हैं। अगर सोने का रीज़न थके दिमाग को आराम देने का ही होता तो स्लॉथ एक साउथ अमेरिका का ऐसा प्राणी है जो पूरे 24 घंटे के दिन में से लगातार 20 घंटे सोता रहता है, फिर भी वो सबसे आलसी है और उसका दिमाग को लगातार 20 घंटे की नींद मिलने के बाद भी उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। स्लॉथ दुनिया का सबसे कम बुद्धि वाला प्राणी है, इसलिए हमारे सोने के दो मेन रीज़न गलत निकले। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे सोने का रहस्य अभी भी सुलझा नहीं है। अगर आपके मन में हमारे सोने का कोई तीसरा रीज़न हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो उसे कमेंट करना भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और बोलते रहिए मेरे साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।